नमस्ते। राष्ट्र शरीर है तो धर्म उसकी आत्मा, भाषा उसकी सांस्कृतिक संवाहक है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। देश के लगभग 70% लोग इसी भाषा का प्रयोग करता है। भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिंदी का अपना महत्व है। हिंदी भारत की आत्मा में बसी हुई है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी, बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का एक स्रोत हिंदी भाषा ही है। समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिंदी को ही रहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी इस देश की जन्म भाषा है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली समझी जाने वाली भाषा है। देश को भावात्मक एकता में बांधने में क्षमता रखने वाला एकमात्र भाषा हिंदी ही है। हिंदी में ही वह लचीलापन है, लाघव है, संप्रेषणीयता है, सामर्थ्य है जो कि राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित है। हिंदी हमारी आन है, शान है। हिंदी हिंदुस्तानियों की सरताज है। हिंदी लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने का साधन है। हिंदी ऐसे सभी गुणों से युक्त इस राष्ट्रभाषा को मैं प्रणाम करती हूँ। देश हिंदी दिवस मनाने की इस सुअवसर पर सेंट जूड पब्लिक स्कूल के अध्यापकगण और बच्चों के बीच क्या बातचीत हो रहे हैं, चलो देखते हैं। आज सितंबर 14 है, पर आज के दिन की विशेषता क्या है? तुम्हें पता नहीं 14 दिसंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है? हाँ हाँ, हमें सब बताने के लिए देखो कौन कौन आया है। मेरे प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को बताने के लिए या इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। समझ गए बच्चों? बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत बड़ी जानकारी दी। हाँ हाँ, लेकिन हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा बनाने का निर्देश किसने रखा? अच्छा सवाल किया आपने। हिंदी साहित्य सम्मेलन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल की थी। समझ गए? महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पहल की और इसके बाद और बताओ। हाँ हाँ, बताती हूँ। स्वतंत्र भारत के राजभाषा के बारे में काफी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। समझे? अच्छा, लेकिन हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। इसी वजह से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जा रहा है आदि विषयों के बारे में हमें जानकारी देने वाले अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो दुश्मनों को प्रेम से अपना बनाती है, जो हर धर्म को एक धागे से बांध जाती है, जो देवनागरी में देवों की गाथा सुनाती है, वो हिंदुस्तान की भाषा है जो हिंदी कहलाती है। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कृत भाषा से होती है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है।
विश्व की प्राचीन समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हिंदी को 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? साल 1949 को जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ तो बहुभाषी वाले इस देश के लिए राजभाषा चुनने को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान ली गई। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत की सारी प्रांतीय बोलियां, जिनमें सुंदर साहित्यों की रचना हुई है, अपने प्रांत या घर में रानी बनकर रहे, प्रांत के जनगण की हार्दिक चिंतन की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे। दोस्तों, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य सच्चे अर्थों में तभी सार्थक होगा जब हम भारतीय हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करने का संकल्प करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगी, मीरा और कबीरा के गीतों में हिंदी है, श्री कृष्ण और सुदामा के मीतों में हिंदी है। कवियों का कहना है कि भारत का इतिहास ये हिंदी है, ना कोई धर्म है ना जात है, हर इंसान हिंदी है। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।